जी हां, सबकी बड़ी खबर दिखा दे, पूर्व विधायक दिलबाग सिंह को ईडी की टीम अपने साथ लेकर जाते हुए जरूर नजर आ रही। तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से ईडी की टीम लगातार 5 दिनों से जो है छापेमारी कर रही थी इनके घर पर, जिसके बाद जो है पूर्व विधायक दिलबाग सिंह को अपने साथ जो है अब टीम लेकर जाते हुए नजर आ रही है। तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर जो है यमुनानगर सिटी न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं। जी हाँ, जो इस खबर को देख रहा है शेयर जुग जगह देख सकते हैं कि किस तरीके से ईडी की टीम लगातार जो है 5 दिनों से रेड कर रही थी, जिसके बाद जो आज पूर्व विधायक दिलबाग सिंह को अपने साथ लेकर जाते हुए बताया जा रहा है। आप सभी से अपील है, जो भी इस खबर को देख रहा है शेयर जुग जगह, इस मामले में जो है इनके बड़े भाई जो है पीसी करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खुलासा करते हैं, बातचीत करेंगे किस तरीके से पूर्व विधायक दिलबाग सिंह को लेकर जाते हुए ईडी की टीम नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे हैं यमुनानगर सिटी न्यूज के माध्यम से, जो भी इस खबर को दिख रहा है शेयर जुग जगह, बातचीत करेंगे, दिखाएंगे पीसी किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ उनके भाई कहते हैं पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के। मामला तो राजनीति से प्रेरित है और जो हमारे से उन्होंने जो सीज़ किया है वो लिस्ट मेरे सामने आप देखिए इसको, 1 नंबर पे डॉक्यूमेंट्स लूज शीट्स विद रिटन पेजेस, जिसमें मेरे घर की रजिस्ट्री या मेरी ज़मीन की रजिस्ट्री, मेरा जो घर जो मेरे दादाजी का बना हुआ है उसकी रजिस्ट्री, और उसके बाद ये आगे लिखा आता है कि करेंसी क्या मिली नील, उसके बाद ज्वेलरी क्या मिली नील, कोई फॉरेन करेंसी नील, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये इसमें हमारे घर के टेलीफोन जैसे कोई मेरी माँ का या मेरा या मेरी वाइफ का या दिलबाग जी की वाइफ का या किसी घर के किसी और मेंबर का, ये उसकी लिस्ट है। उसके बाद ये व्हीकल्स जो हमारे नाम पे रजिस्टर्ड है, दिलबाग सिंह जी के नाम से उनकी गाड़ी है, और ये आगे आ गया जी अदर सीजर्स वो नील, उसके बाद आइटम्स रिकवर्ड बट नॉट सीज्ड, इसमें ये टोटल चेकबुक्स की डिटेल है, ये बैंक अकाउंट्स हैं जितने हम घर के मेंबर्स हैं उसकी है, ये चीज़ टोटल हमारे से रिकवर हुई है। और अखबार लिख रही है 5 करोड़ आ गया, 2 किलो सोना पकड़ा गया, 1 किलो सोना पकड़ा गया, बताइए इसमें क्या सीजर है, आप बताइए, आप पत्रकार महोदय, पत्रकार साथियों, प्रेस के साथियों, ईडी की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई है, सेकंड डे की गई थी कि जो हमने जो 20 यमुना के 7-8 लोकेशन पे रेड की है, वहां से 5 करोड़ कैश रिकवर हुआ है, गोल्ड रिकवर हुआ है और आर्म्स रिकवर हुए हैं, लिकर हुए हैं, तो वो हो सकता है कि आपके जो करीबी है उनके वहां से हुआ हो। मेरे करीबी तो यहाँ 200-400 लोग और भी खड़े हैं, तो अगर इनसे कुछ रिकवरी हो जाती है या ये कोई ऐसा काम कर देते हैं तो उसमें मेरी जिम्मेवारी क्या है। और जहाँ पे वो कौन सी विस्की कहते हैं वो पकड़ी गई है, वो दिलबाग सिंह के नाम थोड़ी है वो। तो सर जिस तरीके से अब ये डॉक्यूमेंट्स आप दिखा रहे हैं इसमें नील सारा कुछ नील लिखा हुआ है, तो किस बिहाफ पे ईडी गिरफ्तार की गई, कुछ बता के? वो कह रही है कि जी आपका कोई फलां स्टोन क्रैशर है, उसमें उन्होंने कोई गलत परचेज ली है या कोई गलत करा है, तो उसमें दिलबाग सिंह का क्या कसूर है उसमें, जिसने दिलबाग सिंह के नाम है क्या? ना, दिलबाग सिंह के नाम तो कुछ भी नहीं है, दिलबाग सिंह तो राजनीति करता है, दिलबाग सिंह कोई व्यापार थोड़ी कर रहा है किसी बात में, ये तो जिसके पास भी जाते हैं उसको कहते हैं दिलबाग सिंह का नाम लो, ये उसकी है उसकी है, ये तो कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ये तो कोई प्रजातंत्र नहीं है। हमारे घर दर्ज की गई है जी, तो किस भी आप पे की गई, वो हमारे लाइसेंसी हथियार हैं दिलबाग सिंह जी के, तो वो उनको उनके पास रिकॉर्ड है, खुद डीसी ऑफिस में रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, और डीसी साहब को पता है इस बात का, और उनको पता होना चाहिए जिसके ऑफिस में लाइसेंस पड़े हैं या पेपर्स पड़े हैं उसको पता होना चाहिए, और उसके बाद जो वहाँ पे कोई वाइन मिली है या कोई विस्की मिली है वो प्रेमिसेस कोई दिलबाग सिंह की थोड़ी है, वो जिसकी है वो कह देगा मेरी है, तो केस का हैगा बना, बताइए आप। तो ये लगता है राजनीति से प्रेरित मामला है सारा, ये तो आप ज़्यादा बता सकते हैं, ये तो जैसे अब इलेक्शन आ गया पता नहीं कौन कौन से साथियों के ऊपर किस किस के ऊपर और भी रेड्स होंगी। सर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये आपके यहाँ रेड की है, वो तो लिखना ही है, मनी लॉन्ड्रिंग लिख दो कहीं से, कोई उसके अकाउंट में पैसे भी तो आए हों, कोई उसके अकाउंट में पैसे आए हों तो फिर तो मनी लॉन्ड्रिंग होगी ना, कि कोई पैसा आया, कोई उसका बिजनेस होगा तो उसमें से तो पैसे आएंगे। अब माइनिंग का काम ये करते हैं या ये करते हैं या आप करते हैं तो आप दिलबाग सिंह को पैसे क्यों देंगे, या अगर कोई और कोई काम करते हैं तो उसमें दिलबाग सिंह को आप पैसे क्यों देंगे। तो
ये सरकारी ठेका है, सरकारी ठेका ठेकेदार लेते हैं, जो माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑक्शन पे लेते हैं, तो वो उनकी जिम्मेवारी है बताना। तो किस ग्राउंड पे आज गिरफ्तार करके ले? ग्राउंड राजनीति ग्राउंड है और क्या है, पर आप हमारे से ज्यादा जानते हैं। नहीं, इसमें जो आज उन्होंने बोला पूछताछ के लिए ले गए या हिरासत या क्या? नहीं नहीं, पूछताछ के लिए लेके गए, अब उनको पता होगा, हमें तो ये दे गए हैं कि हमने अरेस्ट कर लिया है, इससे ज्यादा उन्होंने ये हमें जाते हुए साइन करा के ये पकड़ा गए हैं। अब अपने वकील से बात करेंगे, एडवोकेट से बात करेंगे कि इसमें क्या है। 5 दिन से ईडी थी, ऐसा क्या कर रही थी? मान लो कि कुछ भी नहीं, क्या जांच चल रही थी? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिला आपके सामने है, ये मैं आपको इसकी एक कॉपी दे देता हूँ। आप क्या हो रहा था 5 दिन से ईडी आपके घर पे? पांचवा दिन था भाई। देखिए अभी ये तो डिस्क्लोज, ये राजनीतिक खेल है सारा, और दिलबाग सिंह डरने वालों में तो है नहीं। नहीं टॉर्च, देखिए जिसके घर में 10 CRP वाले कमरों में बैठे हैं और 8-10 और लोग आके कमरों में बैठे हैं, तो वो प्रेशराइज नहीं होगा और क्या होगा। और सारा दिन हम तो 6 दिन से उनकी कस्टडी में हैं ऑलरेडी, कोई ये किसकी शय पे आपको? नहीं नहीं, शय का मैं नहीं कह सकता किसकी शय पे हुआ, ये तो वो तो जो आने वाले हैं वही बता सकते हैं किसकी शय पे हुआ किसकी नहीं हुआ। लेकिन हमें तो आप पिछले 3 साल में 2 बार इनकम टैक्स वाले, पहले 19 में फिर 21 में और अब ये अभी 24 का पहला हफ्ता है ये, तो हमारे से ये क्या चीज़ पूछना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं? हमारे पास तो जो आम दुनिया के पास जितना का है, मकान भी हमारे ग्रैंडफादर का बना हुआ 1960 का, लैंड भी हमारे पास वही है जो हमारे दादा परदादा की है, तो बाकी हमें तो और कोई दिखाई नहीं देता। ये कुछ भी एलिगेशन कुछ भी लगा देते हैं, उसके बाद ले जाओ अंदर, उसके बाद कोर्ट में कंटेस्ट करते रहो, आगे कोर्ट की मर्जी है जो भी है। बार बार जानबूझ के हरासमेंट की जा रही है। बस आप ज़्यादा समझदार हैं हमारे से, आप देखिए ना जी, इनकम टैक्स एक बार ही आ जाए तो वो 10 साल का हिसाब ले जाता है पीछे वाला भी, तो हमारे से तो आप देखिए कि एक बार 19 में, एक बार 21 में और ये थर्ड ये शुरुआत 24 की है। ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा प्रेस के साथी हैं, आप ज़्यादा समझते हैं। मेरे पास तो ये जो हमारे से सीज करके लेके गए हैं वो आपके सामने पड़ा है। ये कल्ले सारे विपक्ष के ऊपर हो रही है, कल्ली दिलबाग सिंह जी के ऊपर नहीं हो रही, जितना भी विपक्ष है उसको डराया जा रहा है। नेक्स्ट कदम क्या होगा सर? नहीं हम अपने